हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट देखने वाले हैं और आज का जो अपडेट होने वाला है ये महाराष्ट्र का अपडेट होने वाला है और आज हम वडोदरा विरार का सेक्शन का ही अपडेट हम देखने वाले हैं और आज हम पैकेज 10 और पैकेज 11 का अपडेट देखने वाले हैं। हम स्टार्टिंग करने वाले हैं साबरौली विलेज से तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरात की साइड में और जाने वाले हैं हम सीधा दहनु रोड तक का पूरा अपडेट देखने वाले हैं। यह अपडेट पूरा 15 किलोमीटर का होने वाला है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं गुजरात की साइड में जो कि साबरौली विलेज से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आपको जो काम देखने को मिल पा रहा होगा, आपको कहीं कहीं पर फर्स्ट लेयर का काम कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा और कहीं कहीं पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी का बिना वक्त गवाए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार के नए नए अपडेट लाते रहते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं हम तलाशरी इंटरचेंज के पास। हम लोग गुजरात सेक्शन से आ रहे हैं इस वक्त वापस रिटर्न मुंबई की साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तलाशरी इंटरचेंज का कुछ नज़ारा है जिसका हमने अपडेट आज से 2 महीने पहले भी देखा था। तो मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट करके देख सकते हो। तो ये है NH 48 जिसके ऊपर यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेसवे का जो लेयर का काम है, फाइनल लेयर का काम यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा इस वक्त, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं मुंबई की साइड का है। और इस तरफ जाएंगे तो मुंबई की साइड में पहुँच जाएंगे NH 48 से और इस तरफ जाएंगे तो आप सूरत गुजरात की तरफ एंट्री कर पाएंगे NH 48 से। और सीधा जा रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि जा रहा है सीधा मुंबई साइड में। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट का अभी हम अपडेट देख रहे हैं इस वक्त जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा मुंबई की साइड में जा रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको अंडरपास बनाए जा रहे हैं छोटे मोटे और यहाँ पर आपको फाइनल ईयर भी कंप्लीट देखने को मिल पा रही होगी और कहीं कहीं पर छोटे मोटे यहाँ पर जो स्पेस के काम थे उसको भी जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर NHI की वॉल बनाना बाकी है और आगे आपको वॉल कंप्लीट देखने को मिल पा रही होगी। और यहाँ पर बीच में आप जो एक्सप्रेसवे के बीच में स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर अभी प्लांटेशन का काम बाकी है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट नहीं हुआ, जल्दी यहाँ पर प्लांटेशन का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूँ दोस्तों यह नेक्स्ट ईयर में आपको इस पर यात्रा करने का मौका जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कितना स्पीड से किया जा रहा है इस वक्त। तो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे ये स्टेट हाईवे 73 है, इस तरफ ये NH 48 को कनेक्ट करता है और इस तरफ कनेक्ट करेगा है उमरगांव को। ये उमरगांव का और NH 48 का रोड है, इसको उमरगांव रोड भी कहते हैं। स्टेट हाईवे 73 है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये क्रॉसिंग पॉइंट है, इसको ऊपर यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसका भी अभी काम कुछ ज़्यादा स्टार्ट हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पर पिछली बार हम आए थे यहाँ पर इससे थोड़ा कम हमें काम देखने को मिला था। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पीड जो काम की है किस प्रकार से की जा रही है और इसके आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा, 80% का हिस्सा है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो यहाँ पर आप कहीं कहीं देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर माइनर ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका काम अधूरा है। ये सीधा मुंबई की साइड का अभी हम अपडेट देख रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको कहीं कहीं पर अर्थवर्क का भी काम कंप्लीट नहीं देखने को मिल पा रहा होगा और कहीं कहीं पर आपको फाइनल लेयर भी देखने को मिल पा रही होगी इस वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच का जो हिस्सा बाकी है इसके बाजू में एक छोटा सा अंडरपास बना के रेडी कर दिया गया है और यहाँ पर अभी मिट्टी डाल के इसको कंप्लीट इसका बनाया जा रहा है। क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो जगह होती है ना जगह का जो हिस्सा होता है उसकी वजह से काम यहाँ पर स्लो आपको देखने को मिल पाता है। लैंड एक्विजिशन की वजह से कहीं कई बार आपको काम अधूरा देखने को मिल पा रहा होगा। क्या है कि कुछ जमीन नहीं बेचते हैं ना तो जमीनी की विवाद के कारण यहाँ पर काम स्लो हमें देखने को मिल पाते हैं। हालांकि अभी फाइनल यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया गया है और आपको हम हर 2-3 महीने बाद एक्सप्रेसवे के अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि आपको कई वीडियो में हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आपको अपडेट दिए तो अभी आप देख पा रहे होंगे आपको आगे तक पूरा कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा और यहाँ पर कहीं कहीं पर जो अर्थवर्क का काम अधूरा था उसको अर्थवर्क का भी काम इस वक्त पूरा किया जा रहा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वड़वाली विलेज के पास। यहाँ पर जो आप क्लियर स्पेस देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया जाएगा जिसका भी आप क्लियरली आप काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। हालांकि यहाँ पर जगह को मेंटेन करके यहाँ पर क्लियर बना दिया गया है और यहाँ पर जल्दी आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया का भी काम होता हुआ दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे ये यहाँ तक कंप्लीट है, उसके आगे फिर आपको कुछ अधूरा काम देखने को मिल पा रहा होगा इस वक्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे होंगे जो आपको पत्थर जैसा लग रहा है यहाँ पर अभी फ्लाली बन के कम्प्लीट हुआ है। इसके ऊपर बोरे डाल के यहाँ पर अभी पानी की तरावट दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर पानी की तरावट से यह ज़्यादा मजबूती मिलती है इस PQC को। तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा डाल के कम्प्लीट किया गया क्योंकि अभी ये फिलहाल में ही इसको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ पर आपको कंप्लीट इस वक्त बना हुआ देखने को मिल पा रहा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि आज हमने पैकेज 10 और पैकेज 11 का अपडेट देखा। तकरीबन हमने 15-16 किलोमीटर तक का इस वीडियो में अपडेट कवर किया। अगर आपको इसी प्रकार की और भी नई वीडियो देखनी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप हमें दोबारा कभी देख ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।